बाद अबे बाद एक्शन कुछ याद नहीं आ रहा आपको उसमें रेडी हाँ एक मिनट याद रहता हूँ आसिफ को कुछ याद नहीं आ रहा एक्शन कुछ याद नहीं आ रहा कुछ अपने दिमाग पकड़ रहे गिर सोर लगा रहे समझ नहीं आ रहा है सुमित जी क्या हुआ सेठ हां ये देखो ये भैया काय मना करते थोड़ा सा मान खा लीजिए ना तुम ना दिलवाओगे तो क्या हुआ सेठ जी हम तो दो देंगे अरे क्या हुआ लांडो बेगर अरे अरे अपना गोटा क्लोज कर दे बेटा रेडी हो गई अच्छा ready go action bhagajon
ये बेहोश हो रहे आप, ये बेहोश हो रहे। अरे तो फिर बेहोश हो गए। अबे कहाँ बेटा? उठा उठा तू आजी उठा। उधर को अबे उधर को। उधर आना। उधर को बैठा ना। इधर को आराम से बैठा। ऐसे नहीं। शिवानी जी आप उठ के जाइए उधर। कहा प्रभुति जी? ओके उठा उठा तू है। अर्जुन भाई प्लान वाला तो कुछ नहीं है, हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं। तीनों जो है बन ठन के जा रहे हैं किसी को मारने के लिए। हाँ। हाँ। तो हम क्या कि मोहल्लों के जो छोरियां हैं उनको हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो चाहे हमको घास डाले ना डाले लेकिन हम तो करते ही हैं। लेकिन टिल्लू मियां ने हमारा एक नया खेल शुरू किया है लोगों को कॉन्टैक्ट बेस पर ठोकने का, मारने का। और बात ये है गई कि देखो जी, आप हमारे बारे में पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम एक ही जवाब देंगे। हम जी नदी की धारा है, जे बहती रहती है, जहाँ रास्ता मिल जाता है वहाँ पर मुड़ जाती है, चले जाती है, अपना रास्ता बना लेती है। हमारी यही कहानी आएगी। धारा जो बोल रहे हैं ना, ये मॉडर्न कॉलोनी के कोने पे जो पान की दुकान है ना, उसके ऊपर जो धारा का मकान है, लौंडिया का नाम धारा ही है। सारी बात बता दे तू। मेरा भाव ये है कि हमारी जो टीम है, मतलब टिल्लू ने टीम बनाई है, और हम जो है ना ठुकाई कर रहे हैं और ठेके पे हमने पिटाई करना शुरू कर दी है, और हम आगे क्या होगा पता चलता जाएगा धीरे धीरे। और लास्ट में हमने तिवारी जी का ठेका लिया, उनको पीट दिया, हमारा सीन लग गया। मैं बस ये बता रहा हूँ कि हम पीटने का ठेका हमने लिया है, और कोई हमारा अपना बंदा किसी को पिटवाने का ठेका लाता है तो हम उनको 25-30% का डिस्काउंट देते हैं आगे। हाँ, आपको भी देंगे, आप भी, आप किसको कटवाना कोई बता देना, कोई यार दोस्तों किसको कटवाना हो तो छोरियन को पूरे फ्री है। हाँ, छोरियन को पूरे फ्री है। हम बहुत शुक्रिया रही है। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद है जी। चल रहे बाहर। करण अर्जुन बड़ा मज़ेदार ट्रैक है। इसमें करण अर्जुन जो फिल्म थी उसका तो एक सीरियस ट्रैक था बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा कॉमिक वे में है। बार बार जो है उनको जैसे कुदरत फिल्म में ख्याल आता था राजेश खन्ना को, वो कहीं भाग रहे हैं और पेड़ों के झुरमुट के बीच में एक पुराने किले नज़र आ रहे हैं। इसमें भभूति जी को आ रहे हैं इस तरीके का ख्याल, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो हकीकत में भी हमें फिट मार रहे हैं। सीन के बारे में आपको पूछा था, तो तिवारी जी को अभी तक पता चला कि वो अर्जुन क्यों है? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, बार बार बेहोश क्यों हो रहे हैं। लेकिन बाद में शायद रियलाइज़ होगा कि ये मतलब हो सकता है कोई नाटक का इनका कोई हिस्सा हो जो इनका हमेशा से रहता है। डॉक्टर साहब को भी देखा गया काफ़ी? डॉक्टर साहब तो वहाँ बेवकूफ़ आदमी है, वो बिना स्टेथोस्कोप लगाए धड़कन चेक कर रहे हैं, इस तरीके के डॉक्टर हैं वो, झोला छाप।